के टाइम पे बहुत ज्यादा जोरों पे चल रही है और सुबह के टाइम पे थोड़ा वीक है, मगर सुबह के टाइम पे ठंड हो जाती है। और आज मौसम जबरदस्त एकदम क्लियर बना हुआ है। नमस्कार सुपक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बाबा केदारनाथ की यात्रा में, यात्रा और मौसम के अपडेट के साथ। सुपक्तों आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर का मौसम अभी दिखा देता हूं मैं आपको बैक कैमरे से पूरे केदारनाथ। तो ये देखिए आज मौसम इतना शानदार बना हुआ है, आज सुबह से ही कहीं बादल का तो कहीं नामो निशानी नहीं है अभी वैसे की। हालांकि धूप रामबाड़ा तक पहुंची और छोटी लंजुली की साइड इस वाली पहाड़ी पे थोड़ा लेट से आती है। देखते हैं शाम तक यात्रा और मौसम का मिजाज कैसा रहता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लगिए। और अभी 9 बजे का टाइम हो गया है, मगर 9 बजे तक अभी धूप नहीं पहुंची और सुबह के टाइम पे हल्की हल्की अभी यात्रा चल रही है। काफी वैसे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले पे तो बहुत ज्यादा है शानदार सब जगह, कहीं केदार हिमालय के आसपास तो कहीं भी आज एक भी फॉग नहीं है। तो शिवभक्तों आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और चलते हैं यहाँ से बाबा केदार के धाम और दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे और रास्ते में कितनी भीड़ है और बाबा केदार के धाम में कितनी भीड़ है। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिए वीडियो में। तो ये मंदिर लाइन देख सकते हैं आप, बहुत लंबी लगी हुई है, ठीक मंदिर से लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी लाइन और नीचे ओम और ओम के भी बाद में यहाँ देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ में उमड़ रही है और पिछले 3-4 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 18-20 हज़ार श्रद्धालु डेली केदारनाथ धाम आ रहे हैं यहाँ। और ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा आज केदारपुरी में और लाइन इतनी लंबी लगी है, लगभग 3-4 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है लाइन में। और यहाँ देख सकते हैं आप मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का सिर्फ खचाखच भरा हुआ है पूरा मंदिर परिसर। और इतनी भीड़ तो मई जून में ही होती थी यहाँ पे और इस बार दिख रही है, हालांकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी मगर इस बार तो ज़्यादा ही कुछ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है। तो शाम हो गई है और देख सकते हैं आप पीछे हिमालय पे जो
आकृतियां हैं वो तरह तरह की बन रही हैं। और आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी पूरी केदारधाम यात्रा की, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिखिए। और अब धीरे धीरे करके मौसम काफ़ी मस्त होने लग गया है। वैसे दो तीन दिन पहले तो मौसम थोड़ा ख़राब भी हो रहा था बीच बीच में, मगर अभी सही है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कल की वीडियो में कल के वेदर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार।